शतयुत्तर शततम सुक्तम भाषार्थ हे इंद्र, बहुत तीव्रता से मद उत्पन्न करने वाला अन्न युक्त इस सोम रस का सेवन कर, इसलिए वेगशाली रथ से जोड़े हुए अश्वों को यहाँ खोल दो। हमसे अन्य यजमान तुझे प्रसन्न नहीं कर सकें, हम ही तुझे संतुष्ट करेंगे। तेरे लिए ही यह सोम रस निचोड़ा गया है। भाषार्थ हे इंद्र, तेरे लिए ही यह सोम रस निचोड़ा हुआ है, इतः पर भी तेरे लिए ही निचोड़ा जाएगा। सदैव सुखदायक पवित्र स्तुत रूप स्तोत्र वाणियां तुझे ही बुला रही हैं। इस प्रकार प्रातः सवन का स्वीकार करके तथा सर्वज्ञ तू इस हमारे यज्ञ में सोम पान कर। भाषार्थ जो संपूर्ण हृदय से कामना युक्त चित्त से इस इंद्र देव की कामना करने वाला यजमान इसके लिए ही सोम रस अभिषुत करता है, इंद्र उसकी गायें नष्ट नहीं करता, उसे शोभन तथा प्रशस्त धन प्रदान करता है। भाषार्थ जो धनवान की भांति इसके लिए ही सोमरस प्रदान करता है, वह इंद्र उसको दृष्टिगोचर होता है। धनवान इंद्र उसे भुजा पकड़कर भय से मुक्त कर संरक्षित करता है तथा बिना याचना किए ही सब विद्वानों के द्वेषी शत्रुओं का नाश करता है। भाषार्थ घोड़ा गायों एवं अन्य ऐश्वर्य की कामना करने वाले हम तुझे प्राप्त करने के लिए बुलाते हैं, तेरे आगमन की याचना करते हैं। हे इंद्र, तेरी उत्तम स्तुति में कृपा करने वाले हम सुखकर तुझे पुकारते हैं। एक षष्ठयुत्तर शततम सुक्तम भाषार्थ हे रोगी, यज्ञ के हविर द्रव्य से तुझे जिस रोग का पता नहीं चलता तथा राज्य यक्षमा से भी सुखदायक जीवन के लिए छुड़ाता हूँ, और यदि इस समय इस रोगी को कोई पाप ग्रह ने जकड़ दिया है, उस रोग से भी इस रोगी को इंद्र एवं अग्नि छुड़ाएं। भाषार्थ यदि रोगी की क्षीण आयु हो गई हो, यदि वह इस लोक से चला गया है और यदि यह मृत्यु के समीप गया हुआ है, तो भी उसको मैं मृत्यु देवता निरृत्य के पास से लौटा ला सकता हूँ तथा उसको 100 वर्ष के जीवन के लिए प्रबल करूंगा। भाषार्थ सहस्त्र नेत्र से युक्त 100 वर्ष तक जीवन वाला तथा 100 वर्ष तक दीर्घ जीव से युक्त हविर युक्त औषधि आदि साधन से इस रोगी को रोग से मुक्त करूंगा, जिससे इसको 100 वर्ष तक इंद्र सभी दुखों के पार पहुंचाए। भाषार्थ हे रोग मुक्त मानव, तू प्रतिदिन बढ़ता हुआ 100 वर्ष तक 100 शरद ऋतु तक जीवित रह, 100 हेमंत तथा 100 वसंत ऋतुओं तक जी। इंद्र अग्नि प्रेरक देव सविता एवं सभी देवों के पालन करता बृहस्पति देव ये सब 100 वर्ष की आयु को देने के साधन हवि से इसकी जीवन शक्ति पुनः प्रदान करें। भाषार्थ हे रोगी, तुझे मैंने मृत्यु के पास से लौटा लाया है, तुझे मैंने पाया है। हे नवीन जीवन धारण करने वाले, तू हमारे पास पुनः आ जा। सर्वांग परिपूर्ण तेरे संपूर्ण जगत को देखने वाले आँख और संपूर्ण आयुष्य को मैंने प्राप्त किया है। द्विषष्टयुतर शततम सुक्तम भाषार्थ वेद मंत्रों के साथ एकमत संतुष्ट होकर राक्षसों का हंता अग्नि यहाँ से इस शरीर से सभी बाधाएं दूर करे। जो रोग दुर्नाम अर्श रूप से तेरे गर्भ व योनि स्थान में गुप्त रूप से रहता है। भाषार्थ जो दुर्नाम नामक रोग तेरे गर्भ एवं योनि में गुप्त रूप से वास करता है, उस मांस भक्षण करने वाले राक्षस रोग को वेद मंत्र की मदद से बल से यह अग्नि निःशेष करे। भाषार्थ हे स्त्री, जो राक्षस रोग तेरे गर्भाशय में जाते हुए वीर्य को गर्भाशय में स्थित होते हुए गर्भ को नष्ट करता है, जो 3 महीने के अनंतर चलन वलन करने वाले गर्भ को नष्ट करता है, अथवा जो राक्षस रूप रोग तेरे 10 महीने के अनंतर उत्पन्न हुए बालक को नष्ट करने की कामना करता है, उसको हम यहाँ से नष्ट कर देते हैं। भाषार्थ हे स्त्री, जो गर्भनाश के लिए तेरे दोनों जांघों के मध्य रहता है और जो स्त्री पुरुष के मध्य में सोता है तथा जो योनि में पतित पुरुष के वीर्य को गर्भाशय में प्रविष्ट होकर चाट जाता है, उसे हम यहाँ से दूर कर देते हैं। भाषार्थ हे स्त्री, जो तेरे पास तेरे भाई रूप से पति रूप से अथवा जार उपपति होकर आता है
तथा जो तेरी संतति को नष्ट करने की कामना करता है उसे हम यहां से दूर करते हैं। भाषार्थ, हे स्त्री, जो तुझे स्वप्नावस्था एवं निद्रा रूप अंधकार में मोह मुग्ध करके तेरे पास गर्भनाशक के लिए आता है, जो तेरी संतति नष्ट करने की कामना करता है उसे हम यहां से दूर करते हैं। त्रिषष्ट्युत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ, हे रोगी, मैं तेरी आंखों में से, नासिकाओं, कानों से तथा थोड़ी से भी और सिर में हुए रोग को, मस्तिष्क भेजा से तथा जीभ से रोग को दूर करता हूँ। भाषार्थ, हे रोगी, तेरे गर्दन की नाड़ियों से, ऊपर की स्नायुओं से, हड्डियों से, संधिभागों से, कंधों से तथा भुजाओं से तथा अंतर्भाग में से मैं रोग को दूर करता हूँ। भाषार्थ, हे रोगी, तेरे आंतों से, गुदा की नाड़ियों से, स्थूल आंत से, हृदय से, तेरे मूत्राशय से, यकृत एवं अन्य भोजन पाचक मांस पिंडों से मैं रोग को दूर करता हूँ। भाषार्थ, हे रोगी, तेरी जांघाओं से, जानुओं से, एड़ियों से, पंजों से, तेरे नितंब भागों से, कट प्रदेश से एवं गुदा से मैं रोग को दूर करता हूँ। भाषार्थ, जल पैदा करने वाले मूत्रोत्पादक एवं वीर सेचक इंद्रिय से, तेरे लोमों से, नखों से तथा तेरे संपूर्ण शरीर से इस प्रकार उस रोग को मैं दूर करता हूँ। भाषार्थ, प्रत्येक अंग से, प्रत्येक लोम से तथा शरीर के प्रत्येक संधि स्थान से उत्पन्न हुए तेरे सब शरीर से इस रोग को मैं दूर करता हूँ। चतुःषष्ट्युत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ, हे स्वप्नावस्था में विकल्प करने वाले मन के स्वामी, तू दूर हो, तू दूर चला जा, दूर देश में यथेष्ट विचरण कर। पाप देवता निर्वृत्ति जो दूर रहती है उसे कहो कि जीवित व्यक्ति के मेरा मन बहुत प्रकार से सब जगह घूमता है, भोगादि के विषय में रमता है, इसलिए मुझे कष्ट नहीं देना। भाषार्थ, सभी लोग श्रेष्ठ फल की कामना करते हैं और वे श्रेष्ठ शुभ फल प्राप्त करते हैं। विवस्वत के पुत्र यम की शुभ वृष्टि की मैं प्रार्थना करता हूँ, वह हमें दुख न दे, विविध विषयों में मेरा मन रममाण हो। भाषार्थ, जिस दुष्कृत की आशंका से हम जागते रहते हैं, जिसको सोते हुए प्राप्त करते हैं तथा निःशंक होकर शुभ की कामना करते हुए हम सोते हैं, उन सब अप्रिय दुष्कार्यों को अग्निदेव हमसे दूर रखें। भाषार्थ, हे इंद्र, हे बृहस्पति, जो तुम्हारे विषय में दुःस्वप्न के कारण पाप किया होगा तो हमें क्षमा करो। अंगिरस, प्रकृष्ट विद्वान वरुण भी द्वेषी शत्रुओं के पाप से हमारी रक्षा करें। भाषार्थ, आज हम विजयी हुए हैं तथा प्राप्तव्य को पा लिया है, हम निरपराध निष्पाप हो गए हैं। जागृत एवं स्वप्नावस्था में जो संकल्प जन्य पाप हुआ है वह जिसका हम द्वेष करते हैं उसको वह प्राप्त हो जाए, जो हमारा द्वेष करता है उसके पास जाए। पंचषष्ट्युत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ, हे देवों, निर्वृत्त पाप देवता का दूत यह कपोत प्रेरित होकर जिस क्लेश देने की कामना से हमारे घर में आया है उसकी विघ्न निवारण करने के लिए हम तुम्हारी हवि से पूजा करते हैं, उसी प्रकार उस पाप की हम हविर दान से छुटकारा करते हैं। हमारे पुत्र पौत्र को सुख प्राप्त हो तथा गौ अश्व आदि को भी शांति प्राप्त हो। भाषार्थ, हे देवों, हमारे घर में भेजा हुआ कपोत नामक पक्षी हमारे लिए सुखकर एवं निष्पाप हो, यह ज्ञानवान अग्नि हमारा हवि भक्षण ग्रहण करे। तुम्हारी कृपा से यह पक्षों वाला, हनन वाला पक्षी हमें दूर से ही त्याग कर दे। भाषार्थ, पक्षधारी हनन हेतु शस्त्र वाला कपोत हमें नष्ट न करे। अग्नि अरण्य में, अग्नि के स्वस्थान में स्थान प्राप्त करता है, हमारी गायें एवं मानवों के लिए भी वह सुखदाता हो। हे देवों, यहाँ कपोत हमें न मारे। भाषार्थ, यह उल्लू जो अशुभ बोलता है वह